ओके, सो हमें यार करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस शीट डिस्कस करना है, और डेफिनेटली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। मैंने पहले भी बताया यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। सो पहले तो शीट सॉल्व कर लेना है, डिस्कस कर लेंगे अपन पूरी, उसके साथ में आपको डीसी पांडे भी कर लेना है, ठीक है? बट ये वाले संडे को जो टेस्ट होगा, वो क्वेश्चंस जो होंगे वो शीट पैटर्न पे ही रहेंगे। मोस्टली जो हमने शीट में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन रहेंगे। बट आप लोग के पास टाइम है, ये वीक आप लोग डीसी पांडे सॉल्व कर लें पूरा, तो आपको कमांड ज्यादा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये देखो कि एटलीस्ट 30% क्वेश्चन तो सिमिलर ही मिलेंगे आपको शीट और डीसी पांडे में। तो थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान देंगे, बेटर रहेगा आपके लिए। चले डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं अपन। हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? 91, 92, 92 तक डिस्कस कर लिया था। चले उसके बाद बताएं आप लोग, टिल 100 कोई डाउट? 95, 95, 95, 95 एंड 96, और कोई टिल 100? ओके चले देख लेते हैं, 95 देखें। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि चार्ज कैरियर्स का वेलोसिटी किस रेंज में होता है। तो यार अब देखो यार, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी वाला है। आपको बताया ना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेफिनेटली एनसीईआरटी में से पिक करेगा, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आप एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं कर सकते हो। तो अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं, तो याद है हमने एक चीज बताई थी आपको कि अगर एक वायर है, उसमें हमने क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या ट्राई करेंगे, एक्सेलरेट होना ट्राई करेंगे। बट एक्सेलरेट हो पाएंगे क्या? नहीं। कोलिजन की वजह से इनके पास क्या आ जाएगी, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन वाली वेलोसिटी नहीं आएगी। यहां पर ऑल तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, देखिएगा तो एक्सेलरेशन आना चाहिए, क्यू ई बाई एम का वो एक्सेलरेशन आता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के बाद वो तुरंत ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर लेता है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं, क्या रेंज में रहती हैं ये वैल्यूज। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। किसी को आइडिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस रेंज में रहती है? ड्रिफ्ट टेन पर वेलोसिटी रहती है माइनस 10 में टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड की रेंज में। एंड एंड वीक कंडक्शन जो होती है, ये क्या है, कंडक्शन क्या है, वाइब्रेशन की स्पीड। मतलब मैं इसे लिख देता हूँ वी थर्मल। कौन सी थर्मल? अच्छा थर्मल को कैसे निकालते हैं, याद है ना रूट, कुछ याद आ रहा है? थर्मल स्पीड ऑफ एनी मटेरियल और मॉलिक्यूल्स, रूट। रियलिटी याद आ रहा है? तो कहां से निकालते हैं इनकी, काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं, जिसे क्या लिख सकते हैं, √3/2 kT। ओके तो ये थर्मल स्पीड आ जाती है। कोई बताएगा थर्मल स्पीड की रेंज क्या होती है कंडक्टर्स के लिए? अब ये याद ही करनी पड़ेगी आपको, ये नॉलेज फैक्ट है क्या, 10^5 की रेंज में। तो इन दोनों के बीच का रेशियो वगैरह आप समझ गए ना आइडिया, सॉरी माय मिस्टेक, ये नियरली 10^2 के रेंज में होती है, तभी इनके बीच का गैप 10^5 के राउंड होता है। अच्छा इसके बाद करंट की स्पीड क्या होती है, कोई बताएगा करंट कैसे मूव करती है? तो जो करंट मूव होती है वो पूरा स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव होती है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट। मेन पॉइंट ये है कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, एकदम नियरली स्पीड ऑफ लाइट से मूव होती है। तो फर्क क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट तुरंत फ्लो हो जाती है,
लेकिन इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर आने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जरूरी नहीं है कि इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर आने की जरूरत है, इस मटेरियल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है ना कि एक दूसरे को पुश करेंगे और इधर वाला इलेक्ट्रॉन ही सर्किट में निकल जाएगा और सर्किट कंप्लीट कर देगा। समझा कि नहीं? यस सर। मतलब कहने का कि फिजिकली ये इलेक्ट्रॉन यहां तक बहुत देर में पहुंचेगा, लेकिन हमें फिजिकली पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें अगर करंट चाहिए तो अगर इधर का इलेक्ट्रॉन भी डायरेक्टली पहुंच गया ना तो काफी है, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अभी पता चला करंट फ्लो में जिस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है वही इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ नहीं पहुंचता। ओके ना? कब पहुंचता? जब हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट आ गई एकदम, तब। तो ये तीनों टर्म क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक मिनट रुके यार, हाँ जस्ट एक मिनट रुके। मैं क्या करता हूँ, एक एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको ओपन करता हूँ। एनसीईआरटी ना, जस्ट अ मिनट, एनसीईआरटी 12th। देखिए मैं एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ओके करंट, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखें यहां पर लिखा होगा, एनसीईआरटी में वैल्यूज रहती हैं। ओके इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे एनसीईआरटी में। ये एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नियरली वैल्यू कितना आता है सॉल्व करके। देखें कितना आया, यार वैल्यू देख पा रहे हो? कोई बताएगा या क्या रीड करेंगे इसे? मिलीमीटर पर सेकंड। मिलीमीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब किसमें चल रही है क्वांटिटीज? 10^-3। ओके सेकंड में इसने क्या किया हुआ है, थर्मल, ठीक है। थर्मल की स्पीड देखिएगा किस रेंज में जाती है, नोट दैट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10^-5 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर ड्रिफ्ट इस रेंज में है और उसका 10^-5 टाइम्स में वो रहेगा, तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 10^2। अच्छा ये लिखा है, क्लियर? यस सर। जो थर्मल वाइब्रेशनल स्पीड होती है वो इस रेंज में रहती है, लेकिन जो करंट की बात होती है वो किस स्पीड से फ्लो हो जाती है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो यही पॉइंट मैं बस समझाना चाह रहा था कि ये काम की चीज है, थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव है वो हमें याद करने ही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये पूरे थ्योरेटिकल सेक्शन है, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कभी टाइम पड़े तो एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो चलो देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी फ्यू mm फॉर द करंट ऑफ रेंज फ्यू एम्पियर्स, हाउ देन करंट इज एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। बताओ रीजन, आयुष बताओ। वो जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रॉन वहां जाए, वो एग्जैक्टली याद रख जा, इधर के कोलिजन के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को तो बहुत टाइम लगेगा इधर जाने में, लेकिन बिकॉज इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कि कोलाइड करके तुरंत इधर वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, इसलिए सर्किट तुरंत कंप्लीट हो जाता है रेदर देन फिजिकली वो इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचे। ओके तो चले देखें एक्सप्लेनेशन, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा रीड करते हैं। क्लियर? रीड करें, करंट एस्टेब्लिश होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पहुंचने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया है।
बताओ, फोर्स को एक्सेलरेशन देना चाहिए, बट क्यों सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होता है? क्या रीजन है? कोलिजन्स। कोलिजन की वजह से वो लॉस कर देता है, फिर वापस से गेन करता है, तो इस तरीके से ओवरऑल में सिर्फ क्या मिलता है, एक कांस्टेंट स्पीड ही आ पाती है। ओके, समझा? फिर नेक्स्ट, ओके, तो बोल रहा है कि चार्ज इतना कम है इलेक्ट्रॉन का, फिर भी कैसे हमें करंट मिल सकती है? तो क्यू इज इक्वल टू एन ई में ये क्या कह रहा है कि ई बहुत ही छोटा है, तो कैसे हमें फिर आई की वैल्यू एम्पियर में आती है, 10 to the power बहुत कम नहीं आती? क्या रीजन है भाई? आई की वैल्यू तो क्यू बाई टी है ना, क्या वैल्यू, क्या रीजन है? एन इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे फिजिकल चीज नहीं है कि थोड़ी बहुत होती है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं किसी भी कंडक्टर में। ओके ना? ऐसा। नेक्स्ट पार्ट, चलो बताओ क्या होगा, मतलब क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कि जब इस वायर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब उनकी मोशन क्या होगी, अगर इस वायर को कनेक्ट कर दें किससे, बैटरी से, और यहां पर क्या आ जाए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना? तो बताओ क्या फर्क होगा? तो याद है कोलिजन कैसे होते हैं, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ऐसे ऐसे कोलाइड होंगे ना, पाथ कैसा होता है? अरे कोलिजन चाहे कैसा भी हो, पाथ कैसा होता है हमेशा? यार क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया क्या? कोलिजन चाहे कैसा भी हो, पाथ कैसा रहता है उनका, इलेक्ट्रॉन्स का या किसी भी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बट यहां पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया अभी, है ना? क्या होगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दो, तब क्या होगा? कोलिजन तो होगा, बट यहां पर साथ में पैरेलली क्या होगी, एक फील्ड हो। तो बताओ अब क्या होंगे पाथ? स्ट्रेट लाइन ही होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाह रहा है, बट अब फील्ड आ गई। अब फील्ड है वहां पर, रहेगा क्या वो इलेक्ट्रॉन सीधा? नहीं सर। कैसा मोशन करने लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पैराबोला, पैराबोला करने लगेगा यार, इतना सिंपल सा बात था। समझा क्या सभी को? यस सर। सी पार्ट में देखो, इतने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब देखो पहले कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया कि एग्जैक्ट कि यूजुअली कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती, बट लिख लो यार, अभी एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल पार्ट दिया है तो याद रख लो इस वैल्यू को भी। लास्ट लाइन, क्लियर ना? यस सर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, अपन डिस्कशन में आते हैं। क्लियर? 95 ओके हुआ कि नहीं, याद रखेंगे वैल्यू, नोट्स में ऐड कर लेंगे। यस सर। नोट्स में ऐड कर लेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट 96 रीड करते हैं। तो यार ये ऐसा क्वेश्चन एक और आया था एकदम स्टार्टिंग में कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वायर इवन क्रॉस सेक्शन अलग है, तो हम क्या चीज सेम कर देते हैं,
करंट क्या बदल जाता है, जे वो क्या हो जाता है, आई बाई ए। हम ये बोलते हैं कि किसी भी वायर में थ्रू आउट क्या चीज सेम रहेगी, करंट। कौन सी चीज बदल जाती है, अगर आपने ये वाला क्रॉस सेक्शन चूज किया तो इससे जाने वाली करंट भी यही है, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन का क्या डिफरेंट है, एरिया, वो डिफरेंट होने का। जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या बदल जाएगी, डेंसिटी, डेंसिटी। तो डेंसिटी वगैरह बदल जाती है, सिर्फ क्या मेंटेन रहेगी, करंट। करंट I is equal to क्या होता है, NAE ED। तो अगर A बदलेगा और I को सेम रखना है तो डेफिनेटली क्या चेंज होगा, VD भी चेंज होगा। ओके बड़ा एरिया मतलब drift speed कम होगा क्योंकि collision के चांसेस कम रहेंगे। चले 105 तक बताएं डाउट्स। 104 ओके। फ्यूज वायर मेल्ट्स एट 120। ओके तो फ्यूज वायर मेल्ट हो रही है 120 डिग्री पर, तो ये कैसे मेल्ट होती है, कोई भी फ्यूज वायर कैसे मेल्ट होती है ये समझे कि सपोज एक फ्यूज है, अब ये सर्किट में लगा हुआ है, ये फ्यूज वायर है, तो ये मेल्ट हो रही होगी किसके वजह से, किसके वजह से, हीट के वजह से, हीट के वजह से। और हीट इसे किस इक्वेशन से मिल रही होगी, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितनी हीट है, आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग, और उस हीट के वजह से वो कितना सस्टेन कर सकता है, सिर्फ एम एस तो सेम है, कितना सस्टेन कर सकता है डेल्टा टी, 120। ये पॉइंट समझा कि नहीं अभी, पहले स्टेप पॉइंट वन, नंबर टू। अब अगर इसकी बदल दो क्या, लेंथ, क्या बदल दो, लेंथ, तो यार लेंथ बदलने से कुछ फर्क थोड़े पड़ने वाला है उसमें, सर रेजिस्टेंस टू टाइम्स होगा। अच्छा हाँ, इससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या बदल जाएगी उसकी, करंट भी बदल जाएगी ना, करंट कम हो जाएगी। अच्छा तो इसको डेफिनेटली इससे नहीं रीच कर सकते हैं। एक्चुअली जो फ्यूज वायर क्या होता है ना, एक्चुअली जो फ्यूज वायर डिजाइन होती है वो मटेरियल वाइज डिजाइन होती है, कैसे, मटेरियल कि इतने डिग्री टेम्परेचर पर ये वाला मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो बेसिकली जो फ्यूज वायर का लेंथ है ना, उस पे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, यहां पर जो रेजिस्टेंस चेंज होता है वो सिर्फ किसके वजह से चेंज माना जाता है, टेम्परेचर या फिर मटेरियल, क्योंकि फ्यूज वायर क्या एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, उसके वजह से सर्किट की करंट चेंजेस और आर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे क्या, कि फ्यूज वायर जो मेल्ट होती है वो दो चीजों पे होता है, कि किस टेम्परेचर पर मेल्ट होगी और किस बात पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ मटेरियल पे, उसका मटेरियल कैसा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो मेल्ट किस तरीके से होगा। ठीक है, अब सोचो आप थिक फ्यूज वायर यूज कर लो, क्या थिक सेम मटेरियल की, तब बताओ कुछ चेंजेस पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, लॉजिकली बताए, नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कोई पॉइंट नहीं होता, बस उसका मटेरियल के अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएं 110 में। सर वो 104 फिर से बताएंगे क्या, डिस्कनेक्ट हो गए। ओके
फ्यूज वायर का जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि उसके फिजिकल पैरामीटर का सर्किट पे कुछ भी ज्यादा काम नहीं है। तो फ्यूज वायर किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। किस मटेरियल का लगाए उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा उसका मेल्टिंग। ओके, तो ये नोट्स में ऐड कर लेंगे कि फ्यूज वायर में फिजिकल पैरामीटर का कुछ फर्क नहीं है, किसका फर्क है सिर्फ? मटेरियल। ओके, नेक्स्ट बताएं, 110 तक कोई डाउट? फिफ्टीन तक कोई डाउट? फोर्टीन। देखें, ओके, तो मुझे पता है हीट दी हुई है, तो हीट का वोल्टेज दिया है ना कि किस वोल्टेज से अप्लाई कर रहे हैं, तो हीट क्या है? वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी। क्लियर? और वो उसने दे रखी है कि कितनी हीट यहां पर जनरेट होगी। समझा कि नहीं? अब प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर किस में आएगा, जूल में या कैलोरी में? कैलोरी में। अच्छा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी कितना है? 30 मिनट × 60 हो गया सेकंड। इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? कैलोरी में, तब इक्वेट कर पाएंगे। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसने दिया है 4.18, बट अब जो दिया है वो उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके ना? तो क्या हो जाएगा ये? क्यू कितना था? 189 था किलो कैलोरी। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 42। समझा कि नहीं? यस सर। बस वी स्क्वायर सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट बताए 120 तक। 19, 16। चलो 16 देखें। अरे पहले बताया था सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पी इक्विवेलेंट कितना होता है सीरीज में अगर लगाएंगे तो? 1/2 करके होता है ना? 1/2। तो इसका मतलब पी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पी बाई। और वो कितना के मैंने? 10। तो इसका मतलब ये हुआ सीरीज, ये हुआ पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। अब हमें सॉल्व करना है पैरेलल में। पैरेलल में पी इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? पी टाइम्स और पी। और यहाँ से पी सॉल्व किया कितना आ गया? पी 30। ये 30 आया, मतलब ये 90। सिंपल था भाई, क्या गेस नहीं किया इसमें? सर की गलत देखा, निकाला था 90। अच्छा अच्छा 19 देखें। ओके, तो बोल रहा है कि हॉट रेजिस्टेंस इज 10 times द कोल्ड रेजिस्टेंस, तो मतलब कोल्ड कितना हो जाएगा? हॉट बाय 10। और एक्चुअल हॉट का रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वर्किंग रेजिस्टेंस ही होगा ना हॉट रेजिस्टेंस। पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वी गिवन है ना हमें क्वेश्चन में। समझा? यस सर। आर पता चल गया भाई, यहाँ पर 10 कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बताएं 25। सर नहीं सम। अरे एक मिनट, कोल्ड मतलब नॉट वर्किंग, कोल्ड मतलब नॉट वर्किंग, और ये वाला हॉट मतलब वर्किंग। तो कह रहा है कोल्ड इज 1/10 ऑफ वर्किंग। यार वर्किंग मतलब क्या होगा? जब वो इतने पावर वैट पावर यूज कर रहा होगा इतने वोल्ट से, वही तो वर्किंग हुआ ना?
इसका मतलब p इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r यूज करेंगे ना, और r वहां से निकालेंगे। श्री r हॉट वाला होगा क्या? हाँ एग्जैक्टली, ये स्विच ऑन के टाइम का होगा ना, जब उतनी पावर दोगे तब तो वो रेजिस्टर उतना रेजिस्टेंस देगा ना, टर्न ऑफ में क्यों देगा। ओके यस सर। 25 तक बताएं। 22 24 ये क्या था भाई? 1 kW हीटर इंटू 2 मिनट्स, मतलब एनर्जी पूछ रहा है ना यार, क्या होगा? पावर इंटू टाइम, और आंसर कैलोरी में पूछ रहा है, तो अपन फिर जूल को डिवाइड करेंगे। 1 kW मतलब 1000 इंटू 2 मिनट मतलब 60 अपॉन 4200 कर दो, आंसर कैलोरी में आएगा। अभी अभी जूल में है ये, इसका डिवाइड करने के बाद ये कैलोरी बना, किलो कैलोरी बना, आई मीन 4200 लिख रहे हैं ना। 24 ओके तो अब आप फील करो कि इतना वोल्ट आया, ठीक है, उसने इतना चार्ज दिया इतने टाइम में, तो हमें क्या बताना है? पावर। तो यार पावर बताना है, तो यहाँ पे रजिस्टर वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? डेफिनेटली कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पावर का? अब यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, अब मतलब आई निकालना है तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, कितने टाइम में डिस्चार्ज हुआ है? तो 4 कूलम चार्ज 100 मिली सेकेंड में, समझा कि नहीं? Yes. 100 मिलीसेकंड मतलब 0.1 सेकंड, बस आ गया। ओके यस यस सर। 30 बताएं। 29 28 भी। ओके देखिए 28 29 अरे भाई क्या किए जा रहे हो यार तुम लोग, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टर दिया है, पूछ रहा है आइस किस रेट से मेल्ट होगा, तो हीट निकालेंगे ना यार, और वी दिया है मतलब हीट किससे निकालेंगे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से, ये हुई हीट, और ये किससे मेल्ट होगा, एम इंटू एल से, बट पूछ रहा है मास पर सेकेंड, तो इसका मतलब टी किधर आएगा, इधर डिवाइड में आएगा ना, और पूछा ही यही है ना, एम बाई टी पूछा है, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू एल। क्लियर? मतलब बेसिकली यार अब हीट को अलग अलग चैप्टर में रिलेट करेगा यार, हीट इज इक्वल टू यहां पर हीट ऑफ मेल्टिंग, देखिए ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर से क्या किया हुआ है, सर्टेन करंट पास हो रही है, सर्टेन करंट पास हो रही है, तो उसका टेम्परेचर कितना रेज हो रहा है, फिर क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इंक्रीज 3 times, तो मुझे पता है यार टेम्परेचर रेज किसके वजह से हो रहा होगा, आई स्क्वायर आर टी की वजह से होगा ना, अरे बताएं कि नहीं, यही तो हीट है ना, और उसी को किससे इक्वेट कर रहे होंगे,
अरे ये दो टर्म समझ आए कि नहीं, ये हीट जनरेटेड है और ये टेम्परेचर चेंज कर रही है, क्लियर? यस सर। यस सर। तो अगर आपने 3i कर दिया तो क्या बदल जाएगी उसकी हीट ना, 3i का स्क्वायर हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा 9i² RT। देख रहे हो कितनी टाइम्स हो गई, 4i² के। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड बाय 3 times, नहीं क्या आंसर दे रहा है इसको? 32। 32 32 कैसे आएगा, 4 ले रहा होगा इसको फिर। सर इंक्रीज्ड बाय 4 3 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स हुआ ना। ओके ओके हाँ ठीक है ठीक है। इट इज इंक्रीज्ड बाय लिखा है, मतलब आई थी और क्या कर दिया है उसमें, 3i बड़ा 3i ऐड कर दिया है। यूजुअली वैसे ये गलत है, मतलब ये लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है यार। ऑल्दो मैं कहता हूं कि ये लिखा होगा इंक्रीज्ड 2-3 times, बट ये होना नहीं चाहिए यार। इट इज इंक्रीज्ड बाय 3 times का मतलब पर्पस यही होता है कि इट इज इंक्रीज्ड सच दैट इट हैज बिकम 3 times। ओके यार पॉइंट समझा कि नहीं? जनरली ऐसे नहीं इसे रीड करते, आप एक दो बुक में और वेरीफाई कर लेंगे इस चीज को। इट इज इंक्रीज्ड बाय 3 times मतलब यही बोलना चाह रहा है कि मतलब इंक्रीज कर दिया गया अप टू 3, जब तक कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक ना बोले कि द वैल्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3i0। ऐसा कुछ कहता कि पहले थी आई नॉट, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3i0, तो फिर ऐड कर सकते हैं। और जनरली ऐसे किया है तो मुझे लगता है 3i से ही करना चाहिए। अच्छा 3i से कोई भी ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, इसलिए हमें 4i बोल रहा होगा इस क्वेश्चन को। अदरवाइज अगर रेगुलर आपको ऑप्शन मिले 18 और 32 तो कौन सा ज्यादा सुटेबल रहना चाहिए? 18। इसमें जानबूझ के 18 ऑप्शन नहीं रखा है, इसलिए वो आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है 4 कंसिडर करके करना। चलो नेक्स्ट बताओ 35 तक। फोर्टी तक बताओ। फोर्टी फाइव तक बताएं। फोर्टी टू। देखें ओके अभी बताओ क्या प्रॉब्लम होती है पैरेलल में लगा देने में, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ऐड ऐड हो जाएगा, तो मतलब n टाइम्स p हो जाएगा। yes. और जबकि हमें चाहिए कि सर्किट में करंट कितनी होनी चाहिए, 6 एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यार अब आपको पावर पता और सर्किट का वोल्टेज पता है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे यार, सोचो। P is equal to क्या यूज करेंगे? I² R यूज करने लगोगे क्या? VI यूज करेंगे ना, P is equal to VI। तो मुझे पता है कि P कितना है, N times of P, और P N कितना है 60, is equal to V कितना है 220 into कितनी I tolerate कर सकता है 6, तो कितना आ गया N की वैल्यू 22। ओके है ना, मतलब एक्चुअली क्या होती है ये जो फ्यूज बनाई जाती है कितने एम्पियर का होगा वो पूरे घर की किससे बनाई जाती है, पी टोटल से,
और घर पे सारे एलिमेंट कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? पैरेलल में। पूरे पूरे घर का पावर कैलकुलेट किया जाता है। सपोज आपके घर में दो एसी हैं, हाफ हाफ किलोवाट की, तो 1 किलोवाट की हो गई एसी, फिर बहुत सारे अप्लायंस मिला के 2 किलोवाट हो गए, तो टोटल आपके घर पे कितना किलोवाट यूज हो रहा है? 3 किलोवाट यूज हो रहा है। अब आप देख लो कि आपको कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई वी। 3 किलोवाट मतलब 3000, और हमारे घर पे जो वोल्टेज आ रहा होता है वो कितना है, 220। समझा ना? Yes. मतलब आपको 10 एम्पियर से भी ऊपर का फ्यूज चाहिए होगा सर्किट को बचाने के लिए। ओके यस सर। तो ये थोड़ा याद रखना है, लिख के भी रखना है। डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है उसमें सारे प्लांट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। और बेटा स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं? नोट्स में अच्छे से ऐड कर लेना कि स्विच को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को पैरेलल में। क्योंकि बेटा स्विच को अगर आपने पैरेलल कर दिया ना, तो बताओ क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? अगर ये दो बल्ब पैरेलल में और आपने इनका स्विच कैसे लगा दिया, तो जब भी आप स्विच ऑन करोगे तो ये क्या वायर क्या कर देगा, उसे शॉर्ट कर देगा, पूरा घर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई भी अप्लायंस जलेगा नहीं, करंट पूरा इसी के थ्रू पास हो जाएगी। तो स्विच को सीरीज में और अप्लायंस को पैरेलल में, ध्यान से ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान से नोट्स में ऐड करिएगा इसे। नेक्स्ट 50 46 47 49। देखिए 46 देखिए यार सब, ओके तो देखो पूछ रहा है क्या गोज ऑन जूल सीटिंग इन द वायर। समझा कि नहीं? तो आपको पूरे सर्किट की वायर पता है, पूरे सर्किट से क्या निकाल लो आप, हीट, और आप क्या निकाल लो, पूरे सर्किट का पावर कंजम्पशन, क्या निकाल लो, पावर कंजम्पशन। तो पहले हीट ऑफ वायर क्या निकालनी है, हीट ऑफ वायर, वो कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर आर टी से। समझा कि नहीं? अरे ये बात समझे कि नहीं, वायर का कैसे निकालेंगे हीट, और उसे सर्किट की पावर से कंपेयर करेंगे। सर्किट की पावर कैसे निकाल सकते हैं, V इंटू I इंटू T, सर्किट की हीट बोल रहा हूँ, पावर नहीं, क्या निकालो, हीट। तो ये सर्किट की हीट हुई और ये वायर की हीट, दोनों का रेशियो निकाल देना है। ओके और एक चीज बताओ, ये लाइन क्यों लिखी है, सर वो एक डे का निकालने के। तो एक डे का क्या निकालना है यहां से, पावर, पावर दिया है कि 10 कमर्शियल यूनिट्स है, तो यूनिट्स कमर्शियल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 1 किलोवाट आर, तो डेली कितना यूज हो रहा है, 10 किलोवाट आर, जबकि हमें यूज कितना करना है, 5 आर, इसका मतलब पावर कितनी ले रहा होगा वो, 5 by 5, तो कितनी पावर यूज कर रहा है वो एसी, 2 किलोवाट। तो मुझे लगता है अभी क्लियर ना, पावर पता है, वोल्टेज पता है, उससे क्या आ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस।
सॉरी ये माय मिस्टेक, ये रेजिस्टेंस वो नहीं है, ये किसका रेजिस्टेंस है, ये वायर का है, ये रो एल बाई ए से निकालेंगे। ओके क्लियर ना? फोर्टी सेवन देखें, ओके तो ये आपको निकालना है ना, ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है, और उसे अब हमने क्या किया, एक शंट किया जिस वायर का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.05, जबकि इसका 0.02। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्किट की करंट कितना हो जाएगा 0.07, समझा कि नहीं? हाँ सर। कितने एम्पियर करंट आ गई यहाँ से, 30 एम्पियर। अब क्या पूछ रहा है यार, टेम्परेचर राइज कितना होगा, तो किसका टेम्परेचर राइज पूछ रहा है, इसका ना, तो क्या होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्लियर या नहीं? डेल्टा टी फाइंड करना है। ओके यस सर। यस नेक्स्ट 49 देखें। व्हाट इज द मटेरियल फॉर प्रॉपर एक सेकेंड, अरे ओके इसमें क्या चीज है, यही वाली बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि फ्यूज वायर पे किस पे डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ पैरामीटर्स। हाँ तो ये 149 आप नोट्स में ऐड करेंगे, फ्यूज वायर करके कर देंगे, मैंने स्पेसिफिक ऐसा कुछ फ्यूज वायर पे लिखाया नहीं है, आप क्या करेंगे 149 को नोट्स में ऐड करेंगे कि फ्यूज वायर के लिए, फ्यूज वायर के लिए मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, और किस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके ना, इसे ऐड कर लेंगे ध्यान से। यस सर। नेक्स्ट बताएं 55 50 50 50 और कोई टिल 55 52। ठीक है चलो 50 देखें। ओके तो फ्यूज वायर में हमें ये देखना पड़ेगा कि रेडियस पे क्या रिलेशन आता है फ्यूज वायर का, तो मतलब हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूज वायर किस पे काम करती है, मेल्टिंग में, किस पे, मेल्टिंग में, मतलब उसकी जो हीट होती है आई स्क्वायर आर टी वो किसके फॉर्मेट में रहती है, एम एस डेल्टा टी, और वो किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा टी पर, कि अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। पॉइंट समझा कि नहीं यहां तक? यस। हाँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखें सॉल्व कर लेते हैं, तो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। ओके ना, ये टी तो टाइम है, इससे हमें कुछ मतलब है क्या इस टी से, नहीं नहीं। उसके बाद मास, मास कैसे लिखेंगे उसका, मास लिखेंगे उसकी डेंसिटी, ये रो अलग चीज है, ये रो रेजिस्टिविटी है, डेंसिटी को मैं लिख देता हूं डी, तो डी इंटू ए इंटू एल होगा ना,
इंटू एस एन टू डेल्टा टी। तो अब आप समझो कि ये चीजें पैरामीटर नहीं है, ये टी अपना टाइम कितना लगेगा ये उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे और डेल्टा टी पे। अब काम की चीज देखो क्या होने वाला है, एल यहां से कैंसिल कैंसिल, तो ये जो ऐड करोगे आप इसमें कैलकुलेशन भी ऐड कर दोगे, क्लियर ना। एल क्या होगा दोनों साइड से कैंसिल, आई स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा फिर, ए स्क्वायर पे डिपेंड करना चाहिए। और क्या यहां पर ऐड हो रहा है, एस टी, ये सब आप समझ जाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेजिस्टिविटी डेंसिटी इन सब पे डिपेंड करेगा ही, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था इसमें, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू अ फ्यूज वायर बिफोर इट ब्लोज आउट वेरीज विद द रेडियस ऑफ वायर। तो फिर स्क्वायर है मतलब यहाँ पर रूट आ जाएगा, मतलब आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। सर डी दिया है, डी दिया है, डी दिया है आर टू दी पावर थ्री बाई टू। एक मिनट, कुछ पैरामीटर मिस कर रहे हैं क्या अपन, हीट से ही मेल्ट हो रहा होगा ना, और हीट मतलब एम एस डेल्टा टी। एक मिनट है रुको देखते हैं यार, एक मिनट एनसीईआरटी चेक करते हैं, देखें इसमें कुछ है क्या फ्यूज वायर को लेके। मोबिलिटी लिमिटेशंस रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये तो रेजिस्टिविटी के रेशियो है, इनका तो कुछ खास है नहीं मतलब। रेजिस्टर करंट कोडिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, यार शायद इसमें तो नहीं है मुझे लग रहा है, देखते हैं फ्यूज वायर का। यार नहीं एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, मैं देख के बताता हूँ यार अगर कुछ और कैलकुलेशन होती है, ओके ना। इसको अभी होल्ड करते हैं, मुझे जहां तक की लग रहा है कि यही सिनेरियो होता है उसमें, बट इसको एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कहीं से कि फ्यूज वायर में एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन होती है, कुछ मटेरियल डिपेंडेंसी तो नहीं होती वहां पर, ठीक है। 150 को थोड़ा होल्ड रखेंगे, अगर कुछ मिलता है मुझको तो मैं फिर ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, हाँ तो आप लोग ऐड कर लेंगे उसे। यस सर। थ्री बाय टू आने का मतलब क्या है, थ्री बाय टू आने का क्या पर्पज हो सकता है, कब थ्री बाय टू आएगा, आई प्रोपोर्शनल टू थ्री बाई टू चाहिए ना हमें, आर प्रोपोर्शनल टू थ्री बाई टू। तो हम क्या करें इसका, अगर स्क्वायर कर ले और वन बाई टू कर दें और थ्री बाई फोर, मतलब कि एरिया के प्रोपोर्शनल में क्या आएगा थ्री बाई फोर। पता नहीं कुछ लगता है इसका डायरेक्ट ही रिलेशन होता होगा, कैलकुलेशन से तो नहीं समझ आया, करता हूँ मैं देखने के बाद बताता हूँ इसको। हाँ देखें 152 देखें, ओके इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा रेजिस्टेंस के बीच में, अगर हमें क्या ध्यान देना है उनका, टेम्परेचर भी ना
अगर टेम्परेचर का कुछ फर्क नहीं होता तो बताओ रिलेशन क्या होता है? बताएं, अगर टेम्परेचर की कुछ भी बात नहीं है और तीनों किसमें कनेक्टेड है, इसका मतलब ये तीनों किसमें कनेक्टेड होंगे यार? रूम टेम्परेचर के तीनों बल्ब पैरेलल में होंगे सारे? एक मिनट, इक्विवेलेंट पूछ ही नहीं रहा है, इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो बताओ किसमें ज्यादा हीट निकलेगी? हीट किसमें ज्यादा निकलेगी? वो किससे कनेक्टेड होता है, हम क्या कंसिडर करते हैं? पैरेलल में सारे कनेक्शंस होते हैं, पैरेलल में क्या सेम रहता है? वी। तो कभी भी हो, किसी भी टाइप का कनेक्शन हो, पी को हमेशा कैसे लिखते हैं? वी स्क्वायर बाई आर टाइप पे लिखते हैं। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है? अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, रेजिस्टेंस, हाँ। तो इसका मतलब कि जिसमें ज्यादा हीट आ रही होगी उसी की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन वाइज देखें, इनमें क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, रेजिस्टर को इक्वल कर रहा है, ग्रेटर वगैरह कर रहा है, लेस वगैरह कर रहा है, मतलब इस पे क्या थॉट दे सकते हैं? कि पहले तो हम पावर सबका देख लेते हैं, वी सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर। मतलब अगर पी 100 है, 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर 100। दूसरा 60 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर 60। थर्ड क्या हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर 40। अब देखो इनमें क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली क्या दिख रहा है? मैथमेटिकली तो हमें दिख रहा है कि 100 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? 60 प्लस 40 ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहां पर? v स्क्वायर बाई आर 100 विल बी v स्क्वायर बाई आर 40 प्लस v स्क्वायर बाई आर 60। ये समझा कि नहीं? पहले ये पॉइंट समझा कि नहीं, पावर को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। ये तीनों समझे, फिर इसका मतलब मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं? यार ये पॉइंट समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन ये रिलेशन कब करेक्ट होता? जब कुछ भी क्वेश्चन में टेम्परेचर से रेजिस्टेंस के चेंजेस के बारे में नहीं कहता। क्या अभी हमने इस डेटा को इनकॉर्पोरेट किया क्या अपने आइडिया में? नहीं। तो ये जो रिलेशन है ये रेगुलर रिलेशन हुआ, क्या जब हम हीट वगैरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन अब हम हीट की बातें कर रहे हैं कि क्या इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, और बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी से रेजिस्टेंस का कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन तो नहीं बैठेगी। अब पहले ये बताओ कि कौन से वैट वाला बल्ब में ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा? टेम्परेचर सीधा किस पे डिपेंड करेगा? हीट पे। बताओ कौन सा ज्यादा हीट करेगा? 100। हीट किससे ज्यादा निकलेगी? अच्छे से सोचो, हीट किससे ज्यादा निकलेगी? कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, आप ये बताओ पहले। 40 वाला। सबको समझ आया क्यों?
अश्विन बताओ क्यों 40 वाला ज्यादा हीट करेगा? सर सीरीज में लगा होगा तो फिर 48 वाला ज्यादा करेगा। सीरीज में लगा होगा तो 40 वाला ज्यादा करेगा। नहीं यार, हीट में मैंने बताया कि कनेक्शन कोई सा भी हो, जब आर के टर्म्स में बात आएगी तब हमेशा फॉर्मूला ये लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? याद है ना पी इक्विवेलेंट का रिलेशन ही ऐसे निकाला था, सीरीज और पैरेलल दोनों में ही क्या किया था? वी स्क्वायर बाई पी किया था ना, ऐसे आर निकाला था, वी स्क्वायर बाई पी किया था। हाँ सर। तो अगर मैं बात करूं कि आर क्या होगा, वो होगा वी स्क्वायर बाई पी सभी के लिए। तो पॉइंट ये है मेरा कि हमारे पास तीन पैरेलल में बल्ब है, ये वोल्टेज है, ये बल्ब है, ये टू दूसरा बल्ब है और ये थर्ड है। अब आइडिया क्या है, ये 40 वोल्ट है, ये सॉरी 60 वैट है, ये 40 वैट है और ये 100 वैट है, ये सब किससे कनेक्टेड है? पी वोल्टेज से। तो बताओ किस पे हीट ज्यादा होगी, उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा और उसी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो पैरेलल में क्या समझाया, किसकी हीट ज्यादा होगी? 100 वाट वाली। हीट इज लाइक वी स्क्वायर बाई आर। आर कैसे निकालेंगे, या सॉरी माय मिस्टेक यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल है ना, डायरेक्टली क्या दिया है इनका, पावर दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये पावर यूज हो जाएगा। 100 वाला क्या हीट जनरेट करेगा, ज्यादा, मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या आएगा, ज्यादा ना, ज्यादा। तो अगर मुझे पी को ज्यादा रखना है तो आर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जिसका पी सबसे ज्यादा है पैरेलल में, जिसका पी मैक्स है, उसका आर क्या हो जाएगा टेम्परेचर के वजह से, मिनिमम हो जाएगा। 100 वाला मिनिमम रहेगा। इसका मतलब 1/R वाला जो 100 वाला है वो क्या रहेगा, मैक्स रहेगा। इसमें टेम्परेचर के वजह से हम इक्वेशन रिलेशन नहीं लिख सकते थे, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में इसका मतलब क्या किया हमने, सिर्फ हमें कंपेयरिंग किया है। अगर अपन रिलेशन निकालते तो फिर कौन सा आंसर आता, ये वाला। लेकिन ये सिर्फ कब काम आएगा बताओ, जब टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, इसका मतलब आर बदल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये फिक्स रिलेशन आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आर यहाँ पर बदल रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू रहेगी। ओके, तो एकदम फिर से फाइनल करते हैं कि फाइनली फिर से फाइनलाइज कर लेते हैं हर चीजों को। स्टेप पॉइंट वन कि नीचे वाला आंसर कब आएगा बताओ आयुष, ये आंसर कब आएगा, जब वो आर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, नहीं दिया रहेगा। हाँ, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया। अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया और पूछेगा व्हाट विल बी द रिलेशन इन द रेजिस्टेंस, तो क्या रिलेशन आएंगे, यही। ओके हाँ सर। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो अपन फिर क्या यूज करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर यूज करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम पावर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लीस्ट, लीस्ट होगा। तो अभी क्या है, सी ऑप्शन दिख रहा था बट उल्टा दिख रहा था, तो फिर हमने किसको चेक किया, 1/r को चेक किया, ओके ना? यस सर। तो 1/r में उल्टा रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बता 60 तक। कौन सा और 160 चले देखे एक बार, 57 देखें, 57 देखें। ये सर्किट पे करंट बताना है ना, तो ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है, सिंगल लूप किरचॉफ, सिंगल लूप किरचॉफ दिख रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, वी नेट। कैसी है दोनों बैटरी, अपोजिट। अच्छा अपोजिट है, अरे वाह, सॉरी ये 25 और ये 5, इसका मतलब कौन सी डोमिनेट करेगी, 25। तो क्या हमने करंट सही ड्रॉ की है क्या, नहीं। तो हमें करंट कैसी रखनी चाहिए लूप में, ये क्लॉकवाइज, क्योंकि 25 डोमिनेट कर रहा है। तो 25 माइनस 5 कितना आया, 20। ऑन आर देखो 5 5 2, और इसके इंटरनल भी हैं 3, तो टोटल कितने हो गए, 15। क्या आंसर आ जाएगा, 4/3। समझा, और किस तरफ जा रही होगी, क्लॉकवाइज, ऑप्शन नहीं है सर, E to C through D, इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, ये देखना है। वैल्यू वाइज कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है। क्या आंसर दिया इसका, बी दिया है, बी नहीं यार, कुछ अलग है वो, फिर बैटरीज वगैरह कुछ मिस हो रही होंगी, यही होगा एज पर द क्वेश्चन, आंसर यही होगा, ठीक है। Yes, sir. वो डेटा कुछ अलग होगा, मे बी फिगर में कुछ अलग प्रिंट हो गया। हाँ फिफ्टी एट देखें, अरे सिंगल लूप है ना, तो देखो एक बैटरी ऐसे लगी, एक बैटरी ऐसे, जबकि दूसरी बैटरी उल्टा, तो 2 1.5 तो ऐड हो जाएंगे, और 1.5, तो बचा कितना टोटल, टोटल वोल्टेज हुआ 1.5 अपॉन आर इक्विवेलेंट। क्या समझाए, क्या आर भी कैंसिल हो जाएंगे क्या, नहीं, आर तो ऐड होंगे ही ना, तो 0.5 के 3 1.5 और 4.5 का एक्सटर्नल, तो टोटल कितना हुआ आर, 6। समझ आया कि नहीं, 1/4 एम्पियर करंट हो जाएगी, ओके कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये, बैटरी का थोड़ा ध्यान देना है। हाँ सिक्सटी देखें, ओके okay, तो क्या हुआ कि जब एक बैटरी था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, तब वोल्ट मीटर ने कितना रीड किया, 6 वोल्ट। बाद में जब एक बैटरी थी, ये थी और एक था बल्ब, बल्ब का कुछ एक रेजिस्टर बना दिया, तब वोल्टेज कितना रीड किया, 4
फोर वोल्ट, तो यार बस दोनों में सर्किट बनाओ यार, वी कैसे निकालेंगे, वी क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, और इस बार आर क्या है सिर्फ स्मॉल इसका इंटरनल, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसे देखोगे तो आंसर क्या आएगा, फिर तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने आई को लिखा सिर्फ क्या ई बाई आर, तब तो फिर वो वोल्टेज खत्म ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इस वोल्टमीटर का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, अगर नहीं है होगा तो फिर आंसर जीरो आना चाहिए था। थोड़ा थॉट दो अच्छे से, वी इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर। अगर ये आर था ही नहीं तो आई की वैल्यू क्या आती, तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या आता, जीरो। जीरो नहीं आया, इसका मतलब वोल्टेज का क्या है, कुछ इंटरनल मतलब खुद का रेजिस्टेंस है। पक्का हमें क्वेश्चन फिर अलग तरीके से अप्रोच कुछ करना पड़ेगा। नंबर टू, क्या जब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक 20 ओम लगा दिया, तब कितना रीड कर रहा है ये वोल्टेज, 4 वोल्ट। तो इसका मतलब इसके क्रॉस क्या निकाल सकता हूं मैं, आई कितना हो जाएगा, 4/20। ये समझा कि नहीं, yes। इसका मतलब सर्किट की करंट कितनी आ गई, 4/1, हाँ मतलब 1/0.5। अब बताओ क्या करेंगे, इसका मतलब अगर ये 4 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा, ई माइनस 1/5 ऑफ आर, ये भी कितना है, 4 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई की वैल्यू पता चल जाएगी तो क्या पता चल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ई की वैल्यू बताया, फिर ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर ई था और ये आर था, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें करंट का तो नहीं पता, बट ई माइनस आई आर की वैल्यू कितनी है, 6। लेकिन करंट तो सेम नहीं है ना, ऐसा करना पड़ेगा यार, ये वोल्टमीटर कैसा मानना पड़ेगा, कैसा वोल्टमीटर मानना पड़ेगा, आइडियल। आइडियल अगर आइडियल होगा तो इसका आर क्या है, इनफाइनाइट। तो क्या ये फर्स्ट केस में करंट जाने देगा क्या, नहीं, नहीं। तो इसका मतलब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्या दिए था, ई ही 6 दिए था। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक अच्छा थॉट यहाँ पर हमें डालने की जरूरत पड़ी, क्या कि ये क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, बट हमने नोटिस किया कि अगर हम आइडियल वोल्टमीटर लेके चले तो फर्स्ट केस में तो करंट ही नहीं जाने देगा वो वोल्टमीटर। तो ई है 6, तो 6 रख के चेक कर लेते हैं, 6 माइनस आर बाई 5 इज इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 4 2, आर कितनी आ गया, 10। क्लियर है यार सबको, तो ये देखो यार क्वेश्चन एकदम मतलब जेई में नहीं बट नीट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऐसे क्वेश्चंस, कि अगर एक बैटरी से आइडियल वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो क्या सर्किट में कोई करंट आएगी, क्या नहीं सर, नहीं आएगी, और आईआर में कुछ लॉस भी नहीं होगा। इसका मतलब आइडियल वोल्टमीटर अगर लगाया तो वो एक्चुअल ईएमएफ बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 65 तक बताएं सर। वो जो हमने करंट निकाला ना 4/20, वो नीचे रेजिस्टेंस लिखते समय 20 और वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं लेंगे क्या, लेंगे। अगर आपको ये लिखना होगा आई इज इक्वल टू, आप टोटल ईएमएफ यूज करो, ई बाई आर प्लस आर, ये होगा
बट हमें दोनों नहीं पता ना, ई भी नहीं पता और आर भी नहीं पता, इसलिए हमने नोन डेटा को यूज करने का ट्राई किया है। हमने ये ब्रांच पे यूज किया है वोल्टेज का 4 वोल्ट, और इस पे भी बोला है कि 4 वोल्ट है। दो अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो मुझे पता है ना कि अगर इसका 20 ओम रेजिस्टेंस है और 4 वोल्ट वोल्टेज है तो इस ब्रांच की क्या आ जाएगी? करंट। करंट, और इस ब्रांच में तो जा ही नहीं रही क्योंकि आइडियल है, यही तो एक्चुअल करंट हो गई ना। यस सर। समझा अभी? यस हाँ सर। इसलिए उसको आइडियल मानना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट बताओ 65 तक। सेवेंटी तक बताओ। सेवेंटी फाइव तक बताएं। 73 तक कोई और? 73 देखिए, 73 ओके। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक रिलेशन दिया और क्या बोल रहा है, एन सेल्स हैं और ऐसे कनेक्टेड है जैसे गिवन है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। आर वन ऐसे कनेक्टेड है, आर टू ऐसे कनेक्टेड है, यार ये कुछ गड़बड़ है इसमें। सिर्फ R2 कैसे कनेक्टेड है? अपोजिट कनेक्टेड है ना, बाकी सारे क्या है? सेम है। बाकी सारे लोग करंट कैसे फ्लो कराना चाह रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज ना। yes. सिर्फ R2 को छोड़ के। तो इसका मतलब अगर N सेल्स हैं तो रियल में कितना हो रहा होगा EMF बताओ? इक्विवेलेंट होगा, होना चाहिए था N ही, बट उसमें से एक ही कम हो गया और ऊपर से वो ई कैसा और लग गया है? नेगेटिव। तो पहले तो एन माइनस वन ई हुए पॉजिटिव, माइनस एक और ई हो गया नेगेटिव। समझा कि नहीं? इक्विवेलेंट कितना हुआ? एन माइनस टू ई। अब आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट तो कुछ फर्क नहीं है, वो क्या हो जाएगा? एन एन टाइम्स आर। अब पूछ रहा है सर्किट की करंट, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल ई एम एफ और टोटल आर ऐसे पूरा एकदम एक लूप में है ना, एक लूप में ई एम एफ कितना है? एन माइनस टू बाय इन टू ई, और जबकि नेट रेजिस्टेंस कितना है? ये क्या हो गया सर्किट का करंट। अच्छा, करंट की फिजिकल वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है आर को क्या रख दो? 1.5 ऑफ, सॉरी ईएमएफ को लिख दो 1.5 ऑफ आर, यही लिखा है ना? ईएमएफ को क्या लिख दें? 1.5 आर। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा आई का? एन माइनस टू बाई एन इन टू 1.5, मतलब 3/2। ओके, फिर एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यार इसमें। इसमें एन तो दिया ही नहीं है ना, अगर एन दे देगा तो आ जाएगा। समझा कि नहीं? अरे अभी पॉइंट समझा कि नहीं सारे लोग को? हाँ सर।
एक मिनट, ये ऐसा कह रहा है क्या, ई एन मतलब ई इक्विवेलेंट बोल रहा है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यार, ये बिल्कुल मतलब लैंग्वेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है, फिर भी इंटरप्रिटेशन करते हैं। यहाँ ई एन लिखा है, क्या पता ये क्या बोलना चाह रहा हो, इक्विवेलेंट। तो अपन किसने रिलेट कर देते हैं, इक्विवेलेंट को रिलेट कर देते हैं कि ई इक्विवेलेंट कितना हुआ, एन माइनस टू ई, वो कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ क्या आर एन ना, मतलब वो आर एन वही आ गया यार, ये तो वो तो आई की वैल्यू आ जाएगी इससे, गड़बड़ है यार, उसको एन देना रहेगा ये क्वेश्चन में, समझा ना। ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, होता है नहीं यार ऐसे कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिसिंग है। किसी ने ट्राई किया क्या इस क्वेश्चन को, किसी ने कुछ आइडिया लिया क्या? सर टू वाला भी ऐड होगा सर, क्या होगा टू वाला भी, वो अपोजिट होगा सर। अच्छा मान लो अपोजिट कर भी दिए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा फिर? सर फिर आई 1.5। अच्छा फिर ये कुछ आएगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मजाक है यार ये क्वेश्चन, छोड़ो हटाओ ये क्वेश्चन हटाओ, समझे कि नहीं? एक तो पहले कुछ तो अलग बोला, ये बैटरी गलत बना दी है, और एक प्रॉब्लम क्या आ गई, आंसर डी है क्या? ठीक है, या तो फिर आर को सेम मानो तो एन कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आंसर यही रहेगा, एन की वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट बताएं 80 तक, 76 कौन सा, चलो समझे। ओके तो पहले दोनों सेल को कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में, दोनों सेल कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, और वो किससे कनेक्टेड है, एक यहां तक ओके। अब बोल रहा है कि किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट सेल के बीच का, ये क्या हो गया है आंसर, जीरो। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इस आर की वैल्यू, समझा कि नहीं यार? तो दोनों का ईएमएफ क्या है, सेम है, क्या अलग है दोनों का, आर। तो पहले तो सिंगल लूप से क्या निकालेंगे उस सर्किट की, आर वन प्लस आर टू प्लस आर। अब चाहिए मुझे वोल्टेज, इन दोनों के अबाउट वोल्टेज कितना हो गया है, जीरो। तो मुझे पता है कि इन दोनों के बीच वोल्टेज क्या है, ई माइनस आई आर आर वन, ये क्या है जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई इज इक्वल टू आई की वैल्यू रख दो, टू ई बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर इन टू आर वन, समझा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो आर की वैल्यू। ओके 76 यस सर।
बताओ कब दोनों में सेम होगी? तो एक बार सबको क्या किया, इक्विवेलेंट सीरीज मतलब एन ई, ओके, उस केस में आर कितना आ जाएगा, एन आर ई एफ ई एम एफ एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये हुई करंट। अब बोल रहा है दोबारा किसमें कर लिया, पैरेलल में, तो पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है, ई, एन टाइम्स नहीं होता, बट रेजिस्टर कितना हो जाता है, आर बाई एन। तो ये एलसीएम लेके सॉल्व करूं अगर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन ई बाई आर प्लस एन आर, समझा ना? और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों कब इक्वल होंगे, यार समझा कि नहीं बताएं। यार समझ आए कि क्वेश्चन या नहीं, दोनों को इक्वेट करेंगे एन ई कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वेट करा देते हैं, एन आर प्लस आर इज इक्वल टू आर इक्वल आर प्लस एन आर, तो यहां पर भी एन माइनस वन होगा और यहां पर भी एन माइनस वन, तो क्या आएगी रिलेशन, आर इज इक्वल, नेक्स्ट 85 तक बताएं, 78 तक और 84 ठीक है यार, चलो देख लेते हैं कौन सा 80. सुनाई नहीं दियो, सारे हो गए 85 तक, कोई और 83 भी मार्क कर लेते हैं, चले देखें 78 अच्छा तो बताओ बेटा मैक्स पावर में क्या कंडीशन होती है, मैक्स पावर कब आती है किसी भी बैटरी से, कुछ याद आ रहा है, E square by 4R. नहीं वो तो ठीक है वैल्यू है ओवरऑल, मतलब अच्छा हुआ कि आपने वैल्यू वो की, पहला पॉइंट ये है कि जनरली कैसे क्या लिखते हैं कि अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है, फॉर मैक्स पावर तो हम बोलते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ बराबर, ये हुई कंडीशन। अब हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, पी आउट बाई पी इन, ये पॉइंट क्लियर है, अरे बताएं ये क्लियर है, तो आउट मतलब किसके अक्रॉस होती है पावर, पी आउट मतलब अरे ये नोट्स में ऐड किया था, नोट्स ओपन करते हो कभी पीडीएफ, कोई बताए ये पावर आउटपुट से रिलेटेड क्या बताया था मैंने नोट्स में, पी इन माइनस वन, क्या चीज, यार ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अब क्या समझाया था कि आउटपुट किसे बोलते हैं, सही है, आउटपुट बोलते हैं लोड के क्रॉस जो पावर कंज्यूम होती है, इसे बोलते हैं क्या, पी आउटपुट, और जो बैटरी के लिए होती है उसे क्या बोलते हैं, पी इनपुट, तो इसका मतलब क्या होता है, आप इसे कैसे भी निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो वी आई करके, या फिर क्या निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर करके, या फिर आई स्क्वायर आर करके, जबकि बैटरी वाला का पी इन कैसे निकालना पड़ेगा आपको,
ई इंटू आई से ही निकालना पड़ेगा. ओके तो इसका मतलब पी आउट कैसे निकालेंगे, वी इंटू आई, और जबकि पी इन कैसे निकालेंगे, ई इंटू आई. तो मतलब वी बाई ई का जो रेशियो होगा वही क्या होता है आपका, एफिशिएंसी. अब निकालना पड़ेगा कि वी और आई क्या होते हैं, किस केस में, मैक्स पावर के केस में. तो मैक्स पावर के केस में देख लेते हैं क्या होता है, आई, आई होता है ई बाई आर प्लस आर, इसे क्या कर दो, आर को भी आर रख दो, तो क्या आ जाएगा, ई बाई टू आर. और जब v इज इक्वल टू निकालोगे तो होगा e माइनस आई इन टू आर, और i की वैल्यू कितनी लिखी, e बाई टू आर. तो इसका मतलब क्या आ गया, v e बाई टू. तो इसका मतलब v आता है e बाई टू इन केस ऑफ मैक्स पावर. तो कितनी परसेंट एफिशिएंसी है मैक्स पावर में, 50%. यार याद नहीं आ रहा क्या तुम लोग को, ये नोट्स में किया हुआ है. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखें. अरे यार कुछ रॉन्गली कनेक्टेड है, तो मान लेते हैं कितनी कनेक्टेड है कुछ रॉन्गली, n. फिर तो देखो पहले कितनी सेल थी, 12. तो मान लेते हैं कि 3 कैसे कनेक्टेड है, उल्टा कनेक्टेड है. तो बताओ ईएमएफ कितना आता, 12 माइनस 3 ही आता क्या, कितना आना चाहिए था, समझा क्यों, क्योंकि 3 इनवर्स कनेक्टेड है. रॉन्गली कनेक्टेड से आंसर होगा 12 माइनस 2n इनटू e. ओके ये हुआ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं. तो 0.5 के 12 लगे हैं, तो 12 इनटू 0.5 प्लस एक्सटर्नल कितना है, 6. टोटल करंट कितनी आई है, समझ आया कि नहीं यहां तक. सेकंड केस, अभी क्या किया, टू मोर सेल्स सीरीज में ऐड किया है, तो 12 और 2 कितने हो गए, 14. कोई डाउट क्या यहां तक, सीरीज भी ऐसे ही रहेंगे ना, एक्सटर्नल कितना है, आंसर कितना आया करंट का, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा रीड हुआ, रेजिस्टेंस वही है, करंट कितनी आई है, 15 बाय 13. तो रेशियो निकाल के ही कैंसिल आउट हो जाएगा या ना आ जाएगा, समझा कि नहीं, यार बताएं क्लियर है या नहीं. यार कोई बोल भी दिया करो, एटलीस्ट जिसने पूछा है वो तो बोल दिया करो. यस सर. ओके शिव प्रसाद, ठीक है. 84 क्या पूछा है, करंट इन द मीटर, इस ब्रांच में क्या चाहिए, करंट. इसके यार कितने सारे मेथड बताए हैं यार तुम लोग को, नोडल लगा दो, नोडल नहीं लगाना तो इन दोनों का क्या लगा दो, ये दोनों बैटरीज का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकालते हैं इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इनका इक्विवेलेंट ई बाई आर 3/2 इंटू प्लस ई बाई आर 6/1. और फिर क्या लिखेंगे दोनों का, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट. सो 2 इंटू 1 2/2 + 1 = 3 आ गया कि नहीं इक्विवेलेंट. हाँ सर. कितना आ गया इक्विवेलेंट, 5 वोल्ट.
अब आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना आया था इक्वेलेंट 2/3 प्लस एक्सटर्नल कितना है 10। समझा कि नहीं? तो क्या आ जाएगा 15/32। अब यार ये नोट्स में कराया है यार, अब ये तुम लोग देखो पैरेलल कैसे निकालते हैं, कई बार बताया है। ओके या नहीं? यस सर। ठीक है ठीक है, अपने हिसाब से समझो इस चीज को। नेक्स्ट क्या है, वोल्टमीटर कैसा है? आइडियल। तो क्या इसमें करंट जाएगी क्या कुछ? नहीं सर। तो ये कैसा लूप दिखने लगा, कैसा लूप है ये? टू लूप है, थ्री लूप है, या कुछ लूप ही नहीं है? सिंगल लूप है। सिंगल लूप है भाई, तो करंट कितनी आएगी, कितनी टोटल बैटरीज हैं? 8। तो क्या 8 ही है या कुछ अलग है, सोचो थोड़ा। सब सेम है या कोई बैटरी ने अपोज किया? सब सेम है। सब सेम है, तो 8 इंटू कितनी है 1 वोल्ट, 5 वोल्ट की अपॉन इंटरनल कितना है 8.2। तो 8 इंटू 0.2। कोई अलग है क्या यार? नहीं। तो कितना आया करंट? 25। अब क्या पूछ रहा है इसके अक्रॉस? वोल्टेज पूछ रहा है ना, तो V is equal to क्या है, E minus IR, so 8 minus, sorry 5 है, 5 minus I कितना है? 25 into R कितना है? 0.2। समझा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो आज यहीं तक ही करते हैं, क्लियर ना? यस सर। आगे नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेना। यार ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हो, बिल्कुल किसके जैसा है ये, 84 के जैसा। अभी समझा कि नहीं? हाँ सर। इन दोनों बैटरी को नोडल मत लगाओ यार, पैरेलल से कर लो। जब भी कभी ऐसे इस वायर में बस ऐसे निकालना हो ना करंट, और ऐसे दो बैटरी और रेजिस्टर हो तो पैरेलल लगा दिया करो। चलो ठीक है, कल इसको डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे शीट को। हाँ यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए काफी इतना। हाँ टेक केयर गाइस, बाय बाय सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू। Yes.